सो भाई जस्ट अभी चाय पीने बाद मुझे पता चला भाई मुझे बुखार हो चुका है, इसी वजह से मुझे नींद भी आ रही थी भाई, और ठंड भी मुझे इतनी लगती नहीं है कभी भी, धूप में भी ठंड लग रही है भाई। अब पता नहीं क्या होगा भाई, बीच रास्ते में हूँ, कानपुर भी नहीं पहुँचा हूँ, और मतलब वहाँ से जहाँ से चला हूँ मतलब अयोध्या से तो बहुत आगे आ चुका हूँ, अगर अयोध्या होता तो मैं वहीं रुक जाता, ज़्यादा बढ़िया रहता, नेक्स्ट डे ड्राइव कर लेता भाई, लेकिन अब मैं ना उधर का रहा ना मैं इधर का रहा, देखते हैं भाई क्या रहता है, कोशिश करेंगे कि आज ही पहुँच जाए, 10 बजे तक पहुँचने का टाइम है। तो इस वक्त मैं सिकंदरा में हूँ, ये सिकंदरा आगरा के अंदर जो सिकंदरा पड़ता है वो नहीं, जो NH हाईवे पे कलकत्ता जो NH हाईवे पे कानपुर जाने के लिए हाईवे पे पड़ता है ना सिकंदरा, वहाँ पर हूँ। और मेरा हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, भैया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी, भैया मेरे लिए दवाई लिया है, मुझे दवाई की शॉप कहीं नहीं मिल रही थी। टाइम क्या हो रहा है, 7:30 हो रहा टाइम, और हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वैसे मन नहीं कर रहा और भी आगे जाने का, लेकिन ये है कि जितना रास्ता कवर कर लिया जाए, कोहरा ना होते हुए तो वो रास्ता कवर कर लेता हूँ। मैं जब भी यहाँ से घूमूंगा ना तो ये याद कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है, आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी अब मस्त हूँ, मस्ती मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई अपनी। हम अयोध्या धाम से आज निकल रहे हैं घर की तरफ भाई, फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ भाई, और सुबह सुबह फ़ोन भी आने लग गए थे सारे लोगों के, पता है क्यों, क्योंकि भाई बी बॉय भाई अपना बैग भूल चुके थे यहाँ पर, और अभी पता चला इन तकियों के नीचे बैग भूल चुके थे अपना, तो अभी मैंने बैग उनका उठा लिया है भाई और बैग के अंदर रख दिया है, जो अपन कोरियर कर देंगे उनको आगरा से नॉर्थ ईस्ट के लिए भाई, तो उनके पास आराम से पहुंच जाएगा। चलते भाई, उनके पास उनके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर पड़े हुए थे इसलिए उनकी ज़रूरत पड़ रही थी, तो फोटो खींच के मैंने उन्हें भेज दिए भाई। चलते हैं, निकलते हैं, बैग वैग लोड करते हैं धनों पे और बाहर निकलते हैं, और आपको बाहर का आज हाल दिखाते हैं अयोध्या धाम का। मतलब जो मैं इतने दिन से एक सिंगल रोड पर घूम रहा था ना, जो मेन रोड थी उसके अलावा बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि पता है क्या, बाहर से अंदर नहीं किसी को आने दिया जा रहा था इसलिए, तो आज वो रोड को क्रॉस करके बाहर की तरफ निकलेंगे और आज आपको बाहर का सारा हाल भी दिखाएंगे भाई। चलो भाई चलते हैं। सो सामान वामान सारा लोड कर दिया है भाई, बाइक निकलने के लिए तैयार है, मैं भी पूरा पैक्ड हो चुका हूँ बढ़िया तरीके से भाई। और ये दादा पता है कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हो दादा? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र अमरावती से आए हैं। अमरावती ये मेरे नानी के घर से बिल्कुल पास से आए हैं, और नान के खानदान के पास के लगे, और सब आराम से घूम रहे हैं। कैसे आए आप यहाँ पे? साइकिल से। साइकिल से आए, क्या उम्र होगी आपकी? 62। देख रहे हो हिम्मत भाई दादा की, बहुत हिम्मत है दादाजी आप सच्ची। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी मंदिर जाएंगे। नहीं, कल आप जाने वाले हो ना? गंगा सागर जाऊंगा। गंगा सागर, वाह क्या बात है, भक्ति में ही शक्ति है भाई, देख सकते हो आप भाई, शक्ति इतनी है कि कहाँ अमरावती लगभग 3,000 किलोमीटर पूरे कर चुके होंगे, क्योंकि उससे पहले ही यहाँ से वैष्णो देवी गए थे, वैष्णो देवी से यहाँ आए, राइट? चलो भाई सही है, बढ़िया है, आपकी हिम्मत की दात है भाई, चलते है। नहीं तो इस साइकिल से बहुत हिम्मत है। हेलीकॉप्टर है, बाबा का हेलीकॉप्टर, ये मेरा हेलीकॉप्टर है। सही है सही है, इससे सब भ्रमण कर लूंगा मैं। क्या बात, अगले साल भी मैं 22 को यहाँ आऊंगा, जब तक जिंदा है जब तक मैं यहाँ 22 को आती रहूंगा। क्या बात, नई साइकिल से हुआ तो फिर ट्रेन से आती जाऊंगा। क्या बात है, ये सुबह 9 बजे का हाल देख रहे हो आप भाई, सुबह 9 बजे ही बहुत यात्री निकले हुए, लेकिन आप देख रहे हो कोहरा बहुत ज्यादा है सब, मुझे लगता है सिटी के अंदर इतना कोहरा तो सिटी के बाहर क्या हाल होगा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सीन रहने वाला है भाई। चलते चलते मैं आ चुका हूँ भाई रामपत के बिल्कुल पास, और आप यहाँ नोटिस करोगे भाई यहाँ ना सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ से ना आगे भी किसी को नहीं जान दिया जा रहा है। इस रोड को मैं रोज़ क्रॉस नहीं करता था, इस रोड के पीछे ही रहता था लगातार, वहाँ अंदर घूमने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई यहाँ खड़ा हो यहाँ से अंदर नहीं जा सकता, पैदल जाना पड़ेगा, और यहाँ से मंदिर कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर है भाई, काफ़ी दूर है भाई, तो हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, या तो ई रिक्शा चाहिए या फिर बाइक व्हीकल अपना लेके जाने देना चाहिए भाई, सीन कुछ ऐसा रहता है। चक्कर क्या है, ट्रैफिक की वजह से रोक रखा है यहाँ पर, अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है शाम के टाइम पे, जब सारा ग्राउंड रोड पे खुल जाता है। चलते हैं अपनी जर्नी और आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं भाई लखनऊ की तरफ। सो भाई पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे अयोध्या से, और मैं आपको बता दूँ अभी तक ऐसी कोई भी एरिया नहीं दिखा मुझे जहाँ पे फॉग ना हो, हर जगह पे फॉग है और लगातार फॉग के साथ साथ ही चल रहा हूँ मैं। ठंड अभी तक सबसे ज़्यादा लग रही है,
और अभी तक फॉग है, मुझे लगता है 12 से लेकर दोपहर के 4 बजे तक फॉग हट जाएगा। टोल के बिल्कुल पास में रुक गया था भाई, और भाई क्या मैंने खड़ी कर दी है भाई, और मैं यहाँ रुक गया था भाई अपने यूपी की कुल्लड़ की चाय पीने के लिए, और मुझे साथ में भजिया मिल गए थे, मस्त चाय वाय पीते हैं, हाथ भी काफ़ी ज़्यादा ठंडे हुए थे, लगातार चल रहा था ना, इस वजह से ठंड आज सबसे ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लकड़ी जल रही थी साथ में, हाथ भी सेक लिए बढ़िया तरीके से, और मस्त भजिया वजिया खा के अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा ठंड है आज भाई सच्ची, बस मुझे ये डर है कि आज मैंने प्लान किया कि मैं लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना है आगरा। मनीष जा रही है इस वजह से, तो मनीष से मिलना भी है, मनीष अपने घर जा रही है, पग फेरी की रस्म नहीं भेजना इसलिए, तो उसके भाई भी लेने आने वाले हैं, तो जब वो लोग आएंगे तब मुझे वहाँ होना है, तो इसलिए मुझे टाइम से पहुँचना पड़ेगा भाई। बस चाय वाय पीते हैं और निकलते हैं। कल से अभी तक गला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी गले में थोड़ी सी दिक्कत है। सो भाई निकल चुके हैं वापस सफर पे भाई, बस प्रे कर रहा हूँ फटाफट एक घोड़ा हट जाए और थोड़ी सी दूर निकला है ऊपर, तो मेरा रास्ता आराम से कट जाएगा भाई। धूप निकलेगी तो ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी, मैं आराम से बाइक चला लूँगा भाई। लेकिन वैसे पता है क्या है, मैं बिल्कुल सही टाइम पे निकल रहा हूँ, अगर कोहरा ज़्यादा रहा ना तो मुझे लगता नहीं मैं आज आगरा तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन मेरी प्लानिंग ऐसे है कि मुझे लग रहा है कि मुझे आगरा तक पहुँच जाना चाहिए था, आराम रहे, मरीज को निकलना भी है कल के लिए, तो इसलिए चलो भाई चलते रहते लगातार। सो आगे वाले टायर में ना हवा खत्म हो चुकी थी, सो आगे वाले टायर में हवा थोड़ी कम हो गई थी, भरवा ली है भाई, थोड़ा सा बबलिंग भी कर रही थी तो हवा भर चुकी है, वैसे पंचर नहीं है, अगर पंचर होता ना ट्यूब वाला टायर है तो पूरी हवा फ्लैट हो जाती। चलते भाई आगे आराम आराम से, रास्ता पूरा कवर करते हैं, अभी तक मैं ना लखनऊ नहीं पहुँचा हूँ, लखनऊ से पहुँचने में अभी 1 से 1.5 घंटा और लगने वाला है, बस एक कोहरा कम होता जाए बस फटाफट। तो वैसे तो मुझे ठंड लगती नहीं है, पर आज मैं एक बात बता दूँ, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, उसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा और गर्म लोअर निकाल लिए भाई पहनने के लिए, ताकि ठंड ना लगे भाई, ऊपर भी ट्रिपल लेयर्स पहनी हुई है, अब भी ठंड लग रही है अच्छी खासी भाई। पहनते हैं और फिर आगे राइड कंटिन्यू करते हैं भाई। लखनऊ पहुँचने में अभी भी 1 घंटा लग गया, स्लो स्लो चला रहा हूँ ठंड लगने की वजह से, मैं सोच रहा हूँ थोड़े गर्म कपड़े पहन लूँ तो ज़्यादा खींच के चला पाऊँगा भाई। तो मैं पहुँच चुका हूँ एग्जैक्टली लखनऊ से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर पीछे, और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा बहुत धूप निकली है भाई। एक चीज़ सबसे अच्छी है कि दोपहर के 2 बजे जाके धूप थोड़ी बहुत निकल आई है, बाकी मुझे ये लग रहा है कि शाम तक फिर से कोहरा रहेगा। यहाँ से ना आगरा तक पहुँचने का सफ़र दिखा रहा है 7 घंटे का, तो 7 घंटे 2+7=9 बजे तक फिर कोहरा हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ नॉर्मल हाईवे से जाया जाए, कानपुर वाला हाईवे से, ना कि लखनऊ एक्सप्रेस वे से। अगर मैं लखनऊ एक्सप्रेस वे से गया ना तो वहाँ फॉग और ज़्यादा होता है, तो हो सकता है कि मुझे और ज़्यादा स्लो चलाना पड़े, मतलब अब ये समझ लो मैं सुबह 9 बजे का निकला हूँ, 2 घंटे का सफ़र मैंने फॉग की वजह से सम अराउंड 5 घंटे में पूरा किया है, 1 घंटा ये समझ लो कि थोड़ा रुका हूँ चाय वाय पीने के लिए, तो तब भी 4 घंटे में डबल घंटे लग गए, और अगर इस रोड पर अगर फॉग मिल गया लखनऊ एक्सप्रेस वे तो उतना ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कानपुर एक्सप्रेस वे यूज़ किया जाए, है कि नहीं भाई। चलो भाई कानपुर एक्सप्रेस वे से चलते हैं, बाकी प्रे करना कि मैं आज ही पहुँच जाऊँ यार, क्योंकि अगर मैं आज पहुँच गया ना तो टाइम मिल जाएगा थोड़ा बहुत मनीष के साथ स्पेंड करने के लिए, नहीं तो कल चले जाएगी और फिर पता नहीं कितने दिन बाद आएगी। चलो कोई नहीं, उससे जाके पूछते क्यों जा रही है, मैंने उसे मना किया, मच्छा थोड़े दिन बाद चले जाइए, पर वो चाह रही है कि अभी जाना है, तो पूछ लेंगे उससे क्यों जाना है और बातें करेंगे उसके पास जाके। चलो चलते हैं, लगातार चलाते हैं बाइक। ओहो, एक तो इतने ज़्यादा कपड़े पहन के ना हाथ वाथ भी नहीं मुड़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है बिल्कुल टॉय जैसा हो चुका हूँ, मतलब पूरा हाथ नहीं मुड़ रहा है। कोई नहीं, लगातार चलाते रहते हैं गाड़ी को। तो बेसिकली ये है आज की 3री चाय, और अभी तक मैं कानपुर भी नहीं पहुँचा हूँ, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है भाई, उसके लिए थोड़ा स्लो भी ड्राइव कर रहा हूँ मैं, थोड़ी नींद चले जाए, पता नहीं क्यों आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, मे भी शायद रात को नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन रात को मैं टाइम से सो गया था, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, अपना आराम आराम से रास्ता पूरा कर लेंगे। अभी यहाँ से समवेयर अराउंड 250 किलोमीटर्स या 260 किलोमीटर समथिंग बचे हुए हैं किलोमीटर्स, सो यहाँ से समवेयर अराउंड हमारे 330 किलोमीटर्स बचे हुए हैं भाई, और लगभग 10 बजे के आसपास पहुँचेंगे भाई।
पर कोहरा यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैंने लखनऊ क्रॉस किया ना, बल्कि हर जगह मुझे धूप मिली है और इस वक्त टाइम हो रहा है, मतलब आप देखोगे दोपहर के 4 और अच्छी खासी खिलखिलाती धूप निकली हुई है। मुझे नहीं लगता रात को फॉग होगा भाई, और अगर फॉग हो तो दिक्कत आएगी, नहीं तो क्रॉस कर जाएंगे आराम से भाई, आज ही कर क्रॉस करेंगे। सही टाइम से निकल गया था मैं मॉर्निंग में। चलो भाई बढ़िया है। सो भाई जस्ट अभी चाय पीने बाद मुझे पता चला भाई मुझे बुखार हो चुका है, और इस वजह से ही मुझे नींद भी आ रही थी भाई, और ठंड भी मुझे इतनी लगती नहीं है कभी भी, धूप में भी ठंड लग रही है भाई। अब पता नहीं क्या होगा भाई, बीच रास्ते में हूँ, कानपुर भी नहीं पहुँचा हूँ, और मतलब वहाँ से जहाँ से चला हूँ, मतलब अयोध्या से तो बहुत आगे आ चुका हूँ। अगर अयोध्या होता तो मैं वहीं रुक जाता, ज़्यादा बढ़िया रहता, नेक्स्ट डे ड्राइव कर लेता भाई, लेकिन अब मैं ना उधर का रहा ना मैं इधर का रहा, देखते हैं भाई क्या रहता है। कोशिश करेंगे कि आज ही पहुँच जाए, 10 बजे तक पहुँचने का टाइम है। अगर ज़्यादा ठंड लगी और ज़्यादा दिक्कत हुई तो भाई रुक जाएंगे, जो जगह मिलेगी वहीं पे, बाकी कल राइड कंप्लीट कर लेंगे बची हुई। क्या यार घर पहुंचने वाले टाइम पे ही हो गया। कहते हैं ना जब ज़्यादा इच्छा करती घर वालों से मिलने के लिए तो होता है, ऐसा ही है भाई। बाकी पता नहीं क्या हुआ है, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है धीमे धीमे। कानपुर का हाईवे काफ़ी अच्छा है भाई। कानपुर का हाईवे में पता है क्या है, जैसे ये पुल के ऊपर ऊपर हम चल रहे हैं और नीचे जो है सिटी का क्राउड है, सारा सिटी क्राउड पुल के नीचे चल रहा होता है, और जितने भी लोगों ने सिटी से क्रॉस करके सीधा बाहर जाना होता है कानपुर के, वो इस पुल को यूज़ करके सीधा सिटी से बाहर निकल जाते हैं, तो ट्रैफिक कुछ भी नहीं लगता भाई कानपुर में। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे भाई, और चलते रहते भाई लगातार अभी। सो इस वक्त मैं सिकंदरा में हूँ, ये सिकंदरा आगरा के अंदर जो सिकंदरा पड़ता है वो नहीं, जो NH हाईवे पे कलकत्ता जो NH हाईवे पे कानपुर जाने के लिए हाईवे पे पड़ता है ना सिकंदरा, वहाँ पर हूँ। और मेरा हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, भैया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी, भैया मेरे लिए दवाई लिया है, मुझे दवाई की शॉप कहीं नहीं मिल रही थी। टाइम क्या हो रहा है, 7 बजे मेरे ख्याल से, 7:30 हो रहा टाइम, और हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वैसे मन नहीं कर रहा और भी आगे जाने का, लेकिन ये है कि जितना रास्ता कवर कर लिया जाए, कोहरा ना होते हुए तो वो रास्ता कवर कर लेता हूँ। मैं जब भी यहाँ से घूमूंगा ना तो ये यादगार रहेगा। थैंक यू सो मच। मैं उनकी शॉप से निकल गया और रास्ते में बहुत सारा कोहरा था भाई। वो शॉप वाले भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बोला वहाँ रखने के लिए भी, खुद मेरे लिए दवाई लेने गए और मुझे शॉप पे छोड़ गए थे, इवन गर्म पानी भी दिया उन्होंने। इस वक्त पता है ऐसा लग रहा है जैसे शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, तो मेरे लोग मदद करने के लिए मिल भी रहे हैं लगातार। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तो ज़्यादा कोहरा होने की वजह से थोड़ा आगे चलने के बाद मैं रुक गया था भाई। सो कोहरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है भाई, और मेरे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा गीले हो चुके हैं, लगातार चलते चलते ओस भर चुकी है इनके अंदर, और इनकी वजह से मुझे ठंड लग रही है। तो मैं हूँ इस वक्त आगरा से समवेयर अराउंड 200 से 180 किलोमीटर दूर, और फिर से तीन में दो नहीं रुके, मैं इससे आगे राइड करूँ। मैं सोच रहा हूँ आज यहीं रुक जाऊँ, कल सुबह राइड कर लूँगा। रात के बज रहे हैं सब लोग, और हिम्मत नहीं हो रही है आगे जाने की, गला थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, मेरे पास पानी नहीं है, आसपास की धारा भी नजर नहीं आ रहा है, जिससे मैं जाऊँगी और पानी जाऊँ। और मुझे यहाँ पर एक बस स्टैंड मिल गया था, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं टेंट लगा के सो जाऊँ, क्योंकि आगे जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं है, और कोहरे में ना एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रक वालों को दिखता नहीं है, और आगरा में आपको पता होगा कोहरे की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, मैंने बताया भी वीडियोज़ में। तो ये वही हाईवे जो आगरा जाता है सीधा सीधा, और इवन यहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं, तो रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं है, मैं कल सुबह बाकी रास्ता कंप्लीट कर लूँगा। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे होंगे इस वीडियो को देख के, तो परेशान मत होना, मैं सो रहा हूँ आराम से यहीं पर, मिलते हैं कल भाई। लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू सो मच, आप लोगों की प्रेयर्स की वजह से ही मैं सब राइड्स कर पाता हूँ आराम से। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अर्शदीप बाइक लेके क्यों गया, इससे अच्छा तो ट्रेन से चले जाता है, बस से चले जाता है। जनरली बताऊँ तो ट्रेन और बसेस की वजह से इस वक्त बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, और प्लस पता है क्या है, वहाँ पे ना व्हीकल्स चल रहे ही रहे थे अयोध्या धाम के अंदर, आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा, तो धनों की वजह से काफ़ी आराम हो जाता है शहर के अंदर घूमने का, नहीं तो इतना सब मैं आप लोगों के लिए शूट नहीं कर पाता, इसी वजह से मैं धनों को ले जाता हूँ। बाकी मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ी है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मुझे ऐसी दिक्कतें पड़ी है भाई, नहीं तो बीमार नहीं होता तो मैं शायद आगरा भी पहुंच जाता आराम से। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।